तो दोस्तों हम बना रहे हैं कलाकंद यानी कि मिल्क केक। तो यहाँ पर 5 लीटर दूध ले रहा हूँ। पाँच लीटर भैंस का दूध है, ये गाढ़ा दूध लिया है मैंने, प्योर एकदम फुल क्रीम दूध है। इसकी हम मिल्क केक बनाएंगे। तो पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पर दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। दोस्तों दूध को कढ़ाई में बिल्कुल भी लगने न दे, इसके लिए आपको कंटिन्यू इस खुरपी से चलाते रहना है और करीबन 20 मिनट तक कंटिन्यू एक ही आंच पर चलाएंगे, तब जाके ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा। अभी दोस्तों अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, अभी हम इसको उबालते हुए जरा एक उबाल आने के बाद इसके अंदर हम 1/2 किलो शक्कर ऐड करेंगे। कितना? 1/2 किलो। 1 लीटर दूध के अंदर 100 ग्राम शक्कर, तो 1/2 किलो, 5 लीटर में 1/2 किलो शक्कर डालनी है। ज़्यादा मीठा नहीं करना है कलाकंद, क्योंकि ये प्योर होता है तो इसमें घी की मिठास बहुत ज़्यादा होती है। तो एक उबाल आते ही हम इसके अंदर 1/2 किलो शक्कर ऐड करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और बहुत ही जानकारी और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं। और आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी रेसिपी कैसे बनानी है देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो परेशान ना हो, क्योंकि वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारी जानकारी के साथ हम वीडियो को बनाते हैं। तो गाइस जब दूध अच्छा उबाल आए, अब हम इसके अंदर शक्कर ऐड कर रहे हैं। नेट 1/2 किलो शक्कर है और कंटिन्यू चलाते रहना है। दोस्तों दूध जब तक गाढ़ा नहीं होता है तब तक इसको हाई फ्लेम पर चलाना है, और जैसे ही दूध हल्का गाढ़ा होने लगता है तब इसकी फ्लेम को यानी कि स्टोव की फ्लेम को थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। जैसे जैसे गाढ़ा होता जाता है वैसे वैसे इसको फ्लेम को कम करते जाना है, लेकिन शुरुआत से इसको गाढ़ा होने तक हाई फ्लेम पर दूध को उबालना है और करीबन 20 मिनट लगते हैं इसको उबलते उबलते गाढ़ा होने में। अभी आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबल रहा है और अपना कर्ची भी देखो अच्छे से फास्ट चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दूध अभी हमारा जो है करीबन 20 से 25 मिनट हो गए मैं कंटिन्यू चलाते हुए, इसको अभी ये गाढ़ा होने आया है और अब हम इसको 5 मिनट और इसी फ्लेम पर पकाएंगे। तो उसके बाद में इसकी स्टोव की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, और अगर इसके अंदर दाना नहीं आएगा ऑटोमेटिक तो हम इसके अंदर नींबू सत ऐड करेंगे यानी कि साइट्रिक एसिड, नहीं तो हमें साइट्रिक इसमें ऑटोमेटिक दाना आ जाता है वैसे तो। अब हम इसकी फ्लेम को कम करते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी हमें क्या करना है इसको किनारी पे इस तरह से चारों और किनारों पे चढ़ाते जाना है और कंटिन्यू चलाते जाना है, क्योंकि कढ़ाई का जो तला है बहुत गर्म होता है तो नीचे से देखिए दूध लगना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलाना है। तो यहाँ देखिए दूध अच्छी तरह से हमारा गाढ़ा होने पर आ गया है और अब हमें इसको कंटिन्यू इसी कम आँच पर चलाते हुए इसको दाना आने तक, इसे इसको दानेदार होने तक चलाते रहना है। दोस्तों अगर आप कलाकंद बना रहे होते हैं और अगर दाना नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, जब इस लेवल का गाढ़ा दूध हो जाता है तब इसके अंदर आप 1 टीस्पून जितना साइट्रिक एसिड दाना डाल दें और हल्के हाथों से चलाते रहे, ताकि इसमें ऑटोमेटिक दाना आ जाता है।
अब दोस्तों इसके अंदर दाना आ चुका है, लेकिन अभी इसमें और थोड़ा दाना आएगा, एकदम दानेदार बनेगा। उसके लिए हमें एकदम कम आंच पर एकदम हल्के हाथों से इसको इस तरह से चलाते रहना है एक 5 मिनट तक। तो देखो दोस्तों, अच्छी तरह से पूरा हमारा कलाकंद जो है, कलाकंद की एक सेट हो गई है। और अब हम इसको एक दूसरे बाउल में लेंगे, तो मैं आपको बाउल बता देता हूँ। ये वाला बाउल लिया है, इसके अंदर हमने घी पॉलिश कर लिया है पूरा, ताकि हमको वापस बाहर निकालने में आसानी रहेगी। इसको हम कढ़ाई को स्टोव से उतार लेते हैं। कंटिन्यू जब तक बाहर नहीं लेंगे इसको, तब तक इसको चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो नीचे से ये चिपक भी सकता है तले से। और दोस्तों, यहाँ पर हमने जो बर्तन आपको बताया था, उससे हमने एक दूसरा छोटा बर्तन लिया है, क्योंकि कलाकंद 5 लीटर दूध का हमने बनाया था वो कम ही है, तो हमने बड़ी वाले बर्तन को छोड़कर दूसरा छोटा बर्तन लेके उसके अंदर हमने घी पॉलिश किया है, और उसके अंदर हम केक को सेट करेंगे। और दोस्तों, अभी हम ये पूरा कढ़ाई में जितना भी कलाकंद है पूरा इस बर्तन में ले रहे हैं, और लेने के बाद पूरा इसको 5 से 6 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है। अब हम इसको 5-6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में या आप बाहर भी इसको रखेंगे तो ये अच्छे तरह से केक हमारी जमकर सेट हो जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर हम 5-6 घंटे बाद में केक, हमने यहाँ पर अब केक को इस बर्तन से हम बाहर निकालने के लिए साइड में से किनारे किनारे से हम इसको एक पतले से चाकू से पूरा किनारी को इससे हम अलग कर रहे हैं, और इसको बाद में पलटी करेंगे बर्तन को, और इसको हम केक को पूरा बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम हल्के हाथों से इसको आपको किनारे से कट करेंगे ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बर्तन को छोड़ देगी ये कलाकंद, और वापस बाहर आ जाएगा। तो अब हम एक देख अब पूरा इसको ध्यान से देखिए, ताकि आप भी बनाओगे तो बाहर निकालने में आसानी होगी। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख रहे उल्टा, और इसको हम पलटी करेंगे, और ऊपर से हम इसको थपथपाएंगे हाथ से, आपको हल्का हल्के हाथों से थपथपाना है। तो यहाँ थपथपाया, थपथपाने के बाद देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का थपथपाना, ये बाहर निकल जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पर केक एकदम राउंड शेप में पूरी बाहर निकली, कलाकंद केक बनकर तैयार हो गई दोस्तों। और हमने इसको कटिंग करके अभी इसके पीस की भी फोटोज़ आप देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया शानदार और एकदम स्वादिष्ट केक बनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए कलाकंद पीस, और ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ना, तो ये जब आप बर्तन में डालते हैं ना गरम गरम, तो ये अंदर ही अंदर गरम की गरम ऑटोमेटिक इसके अंदर ये ब्राउन कलर आ जाता है। तो दोस्तों,